आलम जाओ फिर महफिल में। अस्सलाम वालेकुम अतिया जी, आपने तो इतनी सारा टाइम ले लिया और इतना सारा इंट्रोडक्शन कर दिया, मेरा ख्याल मेरे लिए कुछ बोलने को नहीं है, लेकिन मैं सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी मोहब्बत है कि छोटी सी महफिल, और ये वो लोग हैं जिनको मैं कह सकता हूँ कि ये आप में से हर शख्स मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये महफिल है जिसमें बहुत दूर के मेरे जो जिनका जिससे मेरा सोशल ताल्लुक है या जिनका प्रोफेशनल ताल्लुक है वो लोग नहीं है, तो एक तालीम आप सब लोगों के लिए बनती है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इट्स एन ऑनर फॉर मी एंड फॉर माय फैमिली टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू एंड मैं जरूर से मतलब लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता कम्युनिटी मेम्बर, अक्सर लोग कहते हैं, क्योंकि कम्युनिटी मेम्बर का मतलब ये है वो बहुत बड़ी फैमिली है, लेकिन ये वो फैमिली है मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बड़ी मोहब्बत के साथ बड़े अदब के साथ कह सकता हूँ कि आप सब लोग मेरे दिल के करीब है, आफ्ताब के दिल के करीब है, मेरी फैमिली के दिल के करीब है, और आज की शाम यकीनन जो हमने सजाई है वो सिर्फ इसलिए सजाई है कि आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए अपने स्पाउस के लिए साथ निकालें और यहाँ पर वक्त गुजारें साथ डिनर, और इंशाल्लाह थोड़ी देर में डिनर के बाद बड़ी खूबसूरत महफिल गज़ल की जो है वो शुरू होने वाली है, तो जी अच्छा सबको पता ही है कि हम आप पर्सनल इंजरी करते हैं और बहुत सारे दूसरे भी, मगर थोड़े दिन पहले मैं किसी महफिल में बैठी थी तो आप बयान कर रहे थे, मुझे बड़ा मज़ा आया, मैं चाहती हूँ आप हमारे इस वक्त जो यहाँ मेहमान बैठे हैं उनको भी बताएं, कोई पुलिस का केस था पुलिस नेग्लिजेंस का, तो मैं बड़ी इंट्रीग्ड हुई थी उससे, तो आई वॉन्ट यू टू शेयर दैट स्टोरी एंड दैट केस एंड हाउ यू वेंट अबाउट इट। ये जी बहुत शुक्रिया, तो यकीन मैं आप सब लोगों को बोर बोली करना चाहूँगा अपनी यू नो जो लीगल केसेस आलम लॉ से और बीइंग लिटिगेशन लॉयर जो हम लोग डील करते हैं, मेरा ख्याल है सवाल से एक अपॉर्चुनिटी तो मुझे जरूर मिलती है, ताकि हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो जरूर ये समझते हैं आलम लॉ जो कि शुरू से ही हम लोग स्पेशलाइज करते थे पर्सनल इंजरी में, पर्सनल इंजरी का मतलब कार एक्सीडेंट लॉयर सेल्फ एंड फॉलो इंक्लूडिंग मेडिकल माल प्रैक्टिस अगर हो जाए किसी के साथ या किसी प्रोडक्ट लाइबिलिटी का वो केस हो, लेकिन पिछले कुछ दो तीन सालों में हमने आलम लॉ को फर्दर एक्सपेंड किया है आवर लिटिगेशन प्रैक्टिस, उस लिटिगेशन प्रैक्टिस में यकीन जो दो बहुत ही रिसेंटली केस हमने बहुत चैलेंजिंग और रिसेंटली केस जो कि हाई प्रोफाइल केस है, इसमें से एक तो मेडिकल माल प्रैक्टिस का केस था जिसमें वी हैव गॉन आफ्टर हॉस्पिटल इन मैनिटोबा, और वहाँ पे यकीन कुछ नेग्लिजेंस हुआ था एक बच्चे के साथ, तो वो एक हाई प्रोफाइल केस है जिसको सीबीसी ने भी रिसेंटली रिपोर्ट किया था, तो और सेकंड केस जो अभी रिसेंटली हमने किया है अगेंस्ट हैमिल्टन पुलिस, जिसमें एक हमारी कम्युनिटी का एक यंग बच्चा जो है वो मारा गया था शूटिंग के दरमियान हैमिल्टन में एग्जैक्टली दो साल पहले, तो उसमें यकीन दो साल में जो कि दो ग्रुपों के दरमियान लड़ाई हुई थी, तो ज़्यादातर लोगों के जहन में या ज़्यादातर लॉयर्स के जहन में ये था कि दो अगर ग्रुप लड़ रहे हैं तो उसमें आप सू किसको करेंगे, अगर किसी की जान चली गई है कोई इंजर्ड हो गया, लेकिन वो कहते हैं बाज़ दफ़ा कि थिंक बियॉन्ड व्हाट एनीबॉडी एल्स कैन थिंक, सो एज अ लॉयर अगर आप अपने जो नॉर्मल लॉयर थिंक सेट करते हैं उससे बाहर नहीं सोचेंगे तो आप किसी अच्छे केस को या किसी केस को इंटरेस्टिंग नहीं बना सकते, और किसी पेरेंट को जिनके बच्चे की जान चली गई हो उनको जस्टिस नहीं दिला सकते, तो इस केस में जो कि हमने हैमिल्टन पुलिस को और हैमिल्टन पुलिस चीफ को भी सू किया था, और वो सिर्फ इसलिए सू किया था कि डिस्पाइट के अगर वहाँ पे गैंग के दरमियान दो लड़ाई हुई है, हालांकि वो डिफरेंट था, एक ग्रुप कहता है कि जी वी वर नॉट गैंग, हम सुलह करने गए थे और वहाँ पर शूटिंग हो गई, लेकिन चूंकि पुलिस जो है वहाँ पर पहुँच गई थी शूटिंग के बाद, और उसमें से एक भाई जो है वो उसने पुलिस को बताया था कि मेरा एक भाई मिस हो गया, तो पुलिस ने उसकी फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन नहीं की, फिर दे कॉल्ड 9K9 यूनिट उसको लोकेट करने के लिए, लेकिन पुलिस ने K9 यूनिट को इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि देर वॉज हैवी रेन, और पुलिस का मौकफ ये था कि ये जो K9 यूनिट है वो हैवी बारिश के अंदर वो लोकेट नहीं कर सकता या स्मेल नहीं कर सकता बॉडी को, तो उन्होंने कोई इमीडिएटली एक्शन नहीं लिया, लेकिन बाद में कुछ टाइम के बाद जब उन्होंने बारिश होती और कुत्ते को अपने इस्तेमाल किया तो दे फाउंड द बॉडी, तो ऑब्वियसली वी केम वी गोइंग आफ्टर पुलिस कि पुलिस अगर वो वक्त उसी वक्त बारिश के वक्त ही अपने डॉग को इस्तेमाल कर लेती तो उस बच्चे की जान बच सकती थी, क्योंकि उसकी ब्लीडिंग हो रही थी एंड ही वाज सिटिंग इन द नेबरिंग प्रॉपर्टी,
तो वहाँ एक्सेसिबिलिटी की वजह से जांच की। तो ये नहीं, मैं ये तो एक थोड़ी सी आपने जो पूछा है मैंने अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूरी है, ताकि आप तमाम लोगों को ये भी अंदाज़ा हो जाए कि आलम लॉ सिर्फ हम पर्सनल लॉयर नहीं है, वी हैव बीन डूइंग लॉट ऑफ मेडिकल मॉल प्रैक्टिस केसेस, वी हैव बीन डूइंग केसेस अगेंस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कार्स जहाँ पे एक्सीडेंट होता है और आपकी गाड़ी का एयर बैग नहीं खुलता है, वी ऑल्सो डू लॉट ऑफ पुलिस नेगलिजेंस केसेस और पुलिस ब्रुटैलिटी, उन केसेस को भी हम लोग देख रहे हैं, या किसी भी किस्म का सिविल मामला हो जहाँ पे आपको लग रहा हो कि जी आपको या तो किसी ने सू किया हो या आप किसी को सू करना चाहते हो किसी और की गलती की वजह से आपको कोई नुकसान हो, तो इस तरह के तमाम केसेस आलम लॉ ऑफिस कर रही है। वी हैव डेडिकेटेड लॉयर इन द ऑफिस, क्रिमिनल लॉयर भी हमारे पास डेडिकेटेड लॉयर मौजूद हैं, सिविल लॉयर मौजूद हैं, फैमिली लॉयर मौजूद हैं। तो यकीनन एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि जी हम लोग बीइंग अ लॉयर जो कुछ भी प्रैक्टिस करते हैं उसमें यकीनन मेरी हमेशा दुआ यही होती है कि जी आप कैसे किसी को या आपके किसी दोस्त अहबाब को हमारी जरूरत कभी ना पड़े, क्योंकि जो काम हम करते हैं वो ऐसे वक्त ऐसी चीज़ों के लिए करते हैं जिसमें इंसान बहुत मुश्किल वक्त में होता है, चाहे कोई भी एरिया आप देखें, सिवाय एक एरिया ऑफ लॉ है जिसमें हम हमेशा हर किसी को दुआ करते हैं कि आपको लॉयर की जरूरत पड़े, वो है रियल एस्टेट, क्योंकि आप मकान बेचने खरीदते होते हैं, लेकिन और तमाम अदर एरियाज जो होते हैं उसमें यकीनन किसी आपको जरूरत ना पड़े। तो मेरा ख्याल है मैं स्टॉप करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ अब किसी को इस बारे में फर्दर बोर करूँ, क्योंकि ये शाम जो है वो आपके लिए है, आपकी फैमिली के लिए है और हम सबकी फैमिली के लिए है, ताकि हम अपनी इवनिंग गुजार सकें और खूबसूरत से डिनर करें, और मैं तो महफिल मौसीकी का इंतजार कर रहा हूँ। थैंक यू।